हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्वीटी बढ़ालिया एंड वेलकम टू एसबी एकेडमी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। बॉन्ड पैरामीटर में क्या होता है, हम बॉन्ड से रिलेटेड कुछ मेजरमेंट डिस्कस करते हैं, जैसे कि बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, बॉन्ड एंगल के बारे में पढ़ेंगे, तो इस तरीके के बॉन्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो इस तरीके के जो टर्म्स होती हैं वो बॉन्ड पैरामीटर में आती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बॉन्ड लेंथ। आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया भी था कि बॉन्ड जो है वो कोई डंडा नहीं होता, ठीक है। जैसे हम ए और बी इसके बीच में दिखा देते हैं कि ये बॉन्ड है, और फिर हम इसके टाइप्स भी डिस्कस करते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है कि आयनिक बॉन्ड है, बट बॉन्ड एक्चुअली में कोई डंडा नहीं होता है, ठीक है, कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होती है, ये जस्ट हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको दिखाते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें बॉन्ड की, तो बॉन्ड क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अगर हम आयनिक बॉन्ड की बात करें, आप सब पढ़ेंगे भी इसको, ठीक है, आयनिक बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो कैटायन और अनायन के बीच के अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं तो आप पढ़ोगे आगे जाके कि ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज होते हैं, जिसे हम ओवरलैपिंग कहते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तो वहां से कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है वो एक तरीके से अराइज होती है, ठीक है। बट इतना तो कन्फर्म है कि ये कोई डंडा नहीं होता है, यहाँ तक क्लियर है। तो अगर हम सबसे पहले इसके बारे में बात करें कि भाई किसी भी चीज़ की बॉन्ड लेंथ को स्टडी करना है तो हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, तो बॉन्ड लेंथ को स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप किन्हीं दो बॉन्डेड एटम को ले लीजिए, ठीक है। देखिए एक एटम का रेडियस क्या है, दूसरे एटम का रेडियस क्या है, और आप अगर उसको सम कर दें तो आपके पास बॉन्ड लेंथ आ जाती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए OH है, ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना रखा है, तो हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक रेडियस जो है, अगर मैं बात करूं, ठीक है, कोवेलेंट रेडियाई की बात करूं, क्योंकि मैं यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रही हूं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो हाइड्रोजन के अगर रेडियस की बात करूं तो रेडियस इसका होता है 37, और इसकी अगर बात करूं तो इसका रेडियस होता है 74 पिकोमीटर। दोनों के रेडियस को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया, तो जो हमारी OH ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 111 पिकोमीटर, 111 पिकोमीटर। देखिए जो हम बॉन्ड लेंथ की बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ को हम एक्सरे, ठीक है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गई, या फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन मेथड हो गया, हम इन मेथड से बॉन्ड लेंथ को स्टडी करते हैं। बट हमारे पास जब कोई रास्ता नहीं होता, ऑब्वियसली बात है, अगर कोई डंडा होता और हमें पता होता यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है तो हम इजीली मेजर कर सकते थे, बट एक्चुअल में तो कोई डंडा होता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि जिसके बीच का भी आपको निकालना है बॉन्ड की लेंथ, आप क्या करो, आप उसके रेडियस को ऐड कर दो। और बात आती है कि रेडियस को कैसे स्टडी करें, तो रेडियस के लिए जो भी हमारा एटम है उसके कोर से आउटर मोस्ट शेल तक देखा जाता है, या आप बोल सकते हैं आउटर मोस्ट जो भी उसकी लेयर है वहां तक देखा जाता है कि भाई उसकी क्या वैल्यू आ रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियस, क्लियर है। तो देखिए यहां पर बॉन्ड लेंथ के बारे में क्या लिखा है, द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम्स इन मॉलिक्यूल। ये एक मॉलिक्यूल था, ठीक है, और उस मॉलिक्यूल में हमने क्या किया, जो दो बॉन्डेड एटम थे, मान लो ये हाइड्रोजन है ये क्लोरीन है, हमने इसके न्यूक्लियस से देखा यहाँ तक का डिस्टेंस, इसके न्यूक्लियस से देखा यहाँ तक का डिस्टेंस, दोनों को ऐड कर दिया, और यहाँ से हमने बता दी कि भाई इसकी बॉन्ड लेंथ ये है, क्लियर है इतनी बात। अब मान लीजिए ये दोनों आपस में अगर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे, तो कोवेलेंट मैं आपसे कहूँ भाई कोवेलेंट रेडियस निकाल दो, तो कोवेलेंट रेडियस के लिए आपके लिए बहुत आसान है ये चीज़, आप ये देख लो कि भाई इसके बॉन्ड लेंथ की वैल्यू क्या है, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, उसका हाफ कर सकते हैं, जो बॉन्ड लेंथ है आप उसका क्या कर सकते हैं, हाफ कर सकते हैं। तो एक तरीके से अगर आपको क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ गिवन हो और आपसे कहा है कि भाई इसका एटॉमिक रेडियस बताओ, तो आप इजीली हाफ करके बता सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई चलो ठीक है, यहाँ पे तो कोवेलेंट रेडियस की हमने बात करी, अगर मान लीजिए हमें डिस्कस करना हो वेंडर वॉल रेडियस के बारे में, अगर हमें डिस्कस करना हो वेंडर वॉल रेडियस के बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं,
आपको मैंने पहले भी शायद कई बार बताया है, जब मैं पढ़ाती रहती हूँ तो मैं ऐसी चीज़ें डिस्कस करती रहती हूँ। वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सभी के बीच में होता है, अमंग द एटम्स, अमंग द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पर जब हमें, जैसे कोवेलेंट रेडियस के लिए मैंने बताया कि आप इसके बॉन्ड लेंथ को हाफ कर सकते हो, जब हमें वेंडरवॉल निकालना होता है तो वेंडरवॉल में हम क्या करते हैं, दो नॉन बॉन्डेड एटम्स को पकड़ते हैं। वेंडरवॉल रेडियस जो है वो दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में, ऐसे एटम्स के बीच में निकाला जाता है जिन्होंने आपस में बॉन्ड नहीं बना रखे। अब यहाँ से आपने इसको पकड़ा, आपने यहाँ से इसको पकड़ा, इन्होंने, इसने और इसने आपस में तो कोई बॉन्ड नहीं बना रखा, तो आप इसके न्यूक्लियस से देखोगे इसके न्यूक्लियस तक का क्या डिस्टेंस है और फिर आप कर देंगे उसका हाफ। तो यहाँ से आपके पास आएगा वेंडर वॉल वॉल्स रेडियस, ठीक। और अगर आप क्या करेंगे, दो बॉन्डेड एटम को लेंगे और उनके, उसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस लेके इसको हाफ करेंगे, तो यहाँ से आपके पास जो है वो क्या आएगा, कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस हमेशा बॉन्डेड एटम्स में निकाला जाता है किसी मॉलिक्यूल के, और वेंडरवॉल रेडियस जो है वो हमेशा नॉन बॉन्डेड एटम्स, जिन्होंने बॉन्ड नहीं बना रखा, उनके बीच में निकाला जाता है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए प्लीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपकी कन्वीनियंस के लिए डेफिनेशन लिख दी है, क्या लिखा है, इट इज़ वन हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलियर एडजेसेंट एटम्स बिलोंगिंग टू टू नियरेस्ट नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ द सेम सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये है और ये है, एडजेसेंट को पकड़ लीजिए, ये एटम और ये एटम, यहाँ से इसके न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो है 360 पिकोमीटर। तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया, यहाँ पर वो हो गया 360 पिकोमीटर। अब मुझसे कहा है कि वेंडरवॉल रेडियस निकालिए, ठीक है। तो वेंडरवॉल रेडियस निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, जो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है 360, मैं क्या कर दूंगी, इसका हाफ, तो कितना आ जाएगा ये, 180 पिकोमीटर, ठीक है। अगर मुझसे कहा है कि भाई कोवेलेंट रेडियस निकालिए, तो मैं देखूंगी कि दो एटम बॉन्डेड हैं और इन दो बॉन्डेड एटम के बीच का जो डिस्टेंस है इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का वो कितना है। फॉर एग्जांपल ये है 198, तो मैं यहाँ से जो कोवेलेंट रेडियस निकालूंगी वो कैसे निकालूंगी, बॉन्डेड के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो है 198 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया ये, 99 पिकोमीटर, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि जब हमें वेंडरवॉल रेडियस निकालना होता है तो हम ऐसे एटम्स को पकड़ते हैं जो एडजेसेंट हैं और आपस में नॉन बॉन्डेड हैं, तो उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसका हाफ कर देते हैं तो वेंडरवॉल रेडियस आ जाता है। कोवेलेंट रेडियस में हम ऐसे दो एटम को पकड़ते हैं जिन्होंने आपस में बॉन्ड बना रखा है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, और उनके बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसका हाफ, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। उसके साथ साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अब ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस है, यहाँ से पता भी चल रहा है देख के, कि अगर आप वेंडरवॉल रेडियस को निकालेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू कोवेलेंट रेडियस के, ठीक है। कोवेलेंट रेडियस ये है जबकि आपका वेंडरवॉल रेडियस ये है, तो वेंडरवॉल रेडियस हमेशा ग्रेटर देन होता है कोवेलेंट बॉन्ड से, इसकी बात आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगस्ट्रॉम या फिर पिकोमीटर की यूनिट में। जिन्हें नहीं पता है वो बच्चे नोट कर लेना, वैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ाया है। 1 एंगस्ट्रॉम को अगर आप मीटर में चेंज करते हैं तो 10^-10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप 1 पिकोमीटर को चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, मीटर में, तो आप 10^-12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड की लेंथ को अफेक्ट करते हैं। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो सबसे पहले है बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के बारे में,
बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी के लिए मैं आपको कहूंगी कि जब आप इसी चैप्टर में आगे जाके वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। बट अभी आप फिलहाल के लिए इसको ऐसे ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ, अगर हम बात करें बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी की, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है कि हम सिंगल से डबल पे गए, डबल से ट्रिपल पे आए, तो जैसे जैसे बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ में, ठीक है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज करती है तो बॉन्ड लेंथ छोटी होती चली जाती है। कहने का मतलब क्या है कि कार्बन और कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो सिंगल बॉन्ड की लेंथ ज़्यादा पाई जाएगी, फिर डबल बॉन्ड की उससे कम पाई जाएगी और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम पाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि बॉन्ड लेंथ कम होती है जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज करती है। तो यानी कि ट्रिपल, डबल और सिंगल, इसमें सिंगल की बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी सीसी बॉन्ड में। जब कार्बन कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है तो लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड में और कम हो जाएगी। देखो, इसका सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो इस चीज़ को जाता है कि जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो किस तरीके से ऑर्बिटल्स आपस में मर्ज हो रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है तो किस तरीके से ऑर्बिटल में मर्जिंग हो रही है। तो मर्जिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या होता है, आप इसी चैप्टर में जब हाफ चैप्टर हो जाएगा उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे, तो तब तक के लिए आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें साइज ऑफ द एटम की, तो देखो ये तो सिंपल सी बात है, अगर छोटे साइज का एटम है, बॉन्ड बना रहा है, डिस्टेंस क्या आएगा, छोटा। अभी तो पढ़ाया है कि भाई दो बॉन्डेड एटम है, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इनके जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया। कोई बड़े साइज का एटम है, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस ले रहे हैं हाफ। तो बड़े साइज का एटम अगर होगा तो सिंपल सी बात है डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो जो रेडियस है या बॉन्ड की लेंथ जो है वो ज़्यादा ही आनी है, चाहे आपसे रेडियस पूछ ले चाहे बॉन्ड लेंथ पूछ ले, वो ज़्यादा ही आएगी बड़े साइज के एटम में। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि साइज ऑफ द एटम, बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द एटम, जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता चला जाता है तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करती चली जाती है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है हमने कार्बन का, कार्बन के नीचे आता है सिलिकन, उसके नीचे आता है जर्मेनियम। ठीक, आपको पता है ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता है ना, तो अगर मैं सीसी बॉन्ड देखूं, सिलिकन सिलिकन बॉन्ड देखूं और जर्मेनियम जर्मेनियम बॉन्ड देखूं, तो किसकी बॉन्ड लेंथ आपको ज़्यादा मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है जर्मेनियम की, फिर सिलिकन की, फिर कार्बन की। अब ये कॉन्सेप्ट आप किसी पे भी लगा लो, ये तो मैंने एक रफ एग्जांपल दे दिया, पर आप इस कॉन्सेप्ट को कहीं पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉन्ड एंगल। नाम से ही पता चल रहा है बॉन्ड एंगल का मतलब क्या है, बॉन्ड के बीच का एंगल। बट आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर उन्हीं, अब देखो बॉन्ड बॉन्ड जैसे कोई चीज नहीं होती, बट अब हम किसको चूज करें, मान लीजिए हमारे पास अगर कोई एटम है और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, तो किन इलेक्ट्रॉन के पेयर को ध्यान में रख के हम बॉन्ड एंगल को मेजर करते हैं, तो हम उन इलेक्ट्रॉन पेयर को ध्यान में रख के बॉन्ड एंगल मेजर करते हैं जो बॉन्ड बना रहे होते हैं, शेयरिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो लोन पेयर को देख के नहीं बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऑर्बिटल्स के बीच का हम एवरेज एंगल बताते हैं जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेकर बैठे बैठे हैं, मतलब कि बॉन्ड बना रहे हैं, एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रोल प्ले कर रहे हैं अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल। बॉन्ड एंगल को हम डिग्री, मिनट और सेकेंड में मेजर कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने CH4 नाम तो सुना ही होगा, CH4 जिसे हम मीथेन कहते हैं। तो मीथेन में बेसिकली क्या होता है कि कार्बन रहता है बीच में, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनाना है मीथेन का, अब आप छोटी क्लासेस में नहीं हो, ऐसे नहीं बनाना है, ये तब बना लो जब जनरल कुछ बात चल रही है, अब जब केमिकल बॉन्डिंग जैसा चैप्टर पढ़ रहे हो वहाँ पे तो ऐसे ना ही बनाओ नंबर बचा के रखने हैं तो, है ना। तो कार्बन बीच में होता है और चार हाइड्रोजन इस तरीके से बॉन्डेड होते हैं, इसको हम बोलते हैं, आप पढ़ोगे भी इसी चैप्टर में आगे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसको कहा जाता है, बहुत ही फेमस ज्योमेट्री होती है। किस तरीके से होती है, बीच में कार्बन है, ठीक है, तीन हाइड्रोजन इस तरीके से हैं और एक हाइड्रोजन जो है वो इस तरीके से होता है। मतलब आप ऐसे देख लो कि चार बलून्स को बांधा और उनको ज़मीन पे छोड़ दिया, तो तीन बलून्स जो हैं वो क्या करेंगे, तीन बलून्स नीचे फर्श पे आएंगे और एक ऐसे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ये होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इस तरीके से। अब एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे दो बॉन्ड जो है आपको एक प्लेन में दिखेंगे, एक आगे दिखेगा, एक बिलो द प्लेन दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसको कैसे भी घुमा के देखो, इसमें सारे एंगल जो हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री। उसके बाद अगर हम बात करें अमोनिया की, NH3 क्या होता है, अमोनिया, अमोनिया का अगर आप बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं तो अमोनिया का जो है नाइट्रोजन होगा बीच में, तीन हाइड्रोजन इस तरीके से। अगर बड़े ध्यान से देखो, पिरामिड सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मिस्र के पिरामिड, ठीक है, और एक इस पर होता है लोन पेयर, तो ये होता है पिरामिडल। पढ़ोगे आप, इसी चैप्टर में आएंगे सारे आगे जाके। उसके बाद अगर हम वाटर की बात करें, H2O की बात करें, तो इसमें जो वाटर है ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ ऐसे बैंड या फिर एंगुलर शेप बनाता है और इसके रहते हैं दो खरगोश के कान, खरगोश के कान होते हैं ना इससे, तो इसके दो लोन पर इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है 107.5 डिग्री, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मैंने जो बॉन्ड एंगल है वो इनके बीच में बताया, बॉन्ड के बीच में बताया, उन देखो यहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, पर ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड नहीं बना रहे, इनके ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर रहे, जिन ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटलों ने ओवरलैप किया। जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा पिक्चर क्लियर होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि बॉन्ड के बीच में, आप ध्यान रख लो कि बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है उसे हम बॉन्ड एंगल कहते हैं, ठीक है, या ऐसे इलेक्ट्रॉन के पेयर जो बॉन्ड बना रहे होते हैं, शेयरिंग कर रहे होते हैं, तो उनके बीच में हम बॉन्ड एंगल देखते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में नहीं देखते, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट करिए इसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी। तो अगर हमें किसी भी बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है, कोई दो एटम है जो आपस में बॉन्डेड हैं और हम चाहते हैं कि वो एटम अलग हो जाएं, जैसे कोई एक मॉलिक्यूल दो एटम से मिलके बना है, नाउ आई वांट कि वो दो एटम सेपरेट हो जाएं, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उनको अलग करने के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम बॉन्ड एंथैल्पी एक मॉलिक्यूल के हिसाब से देखते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। जब आप क्लास 11th में सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ते हैं, वहाँ पे आप ये चीज़ सीखते हैं कि जिस तरीके से एक दर्जन में 12 आइटम होते हैं, ठीक है, किसी और चीज़ में कि हाँ भाई ये चीज़ है इसमें इतने आइटम होंगे, इन द सेम वे केमिस्ट्री में जब हम एटम आयंस मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं तो ये स्पेसिफिक किया जाता है कि केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल्स में स्टडी करेंगे, मोल जो है उसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, बॉन्ड एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो ये उतनी एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो हमें एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए देनी पड़ती है किसी पर्टिकुलर टाइप के, ये नहीं अलग अलग टाइप का एक सिंगल ले लिया, एक डबल ले लिया और फिर निकाल रहे हैं बॉन्ड एंथैल्पी, नहीं ऐसे नहीं, एक ही टाइप का बॉन्ड होना चाहिए बिटवीन द एटम्स, गैशियस स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड लिक्विड में नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, फिर वो बॉन्ड तोड़ने के अलावा और भी कई जगह एनर्जी यूज होने लग जाती है, तो गैस की फॉर्म में होना चाहिए, गैशियस एटम्स होने चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखें आप। तो जब हम एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी दे रहे हैं, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रही है, उसे हम बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी। और बॉन्ड एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो इसको हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं किलो जूल पर मोल में, कि एक मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी किलो जूल एनर्जी दी गई है। क्वेश्चन में अगर कुछ और यूनिट दे रखा है तो वो हम अपनी नीड के हिसाब से चेंज कर लेते हैं, बट किलो जूल जो है वो मेन यूनिट चलती है इसकी, किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन है, ये देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, मैंने तीनों गैसेस फॉर्म में लिए हैं,
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को तोड़ने के लिए, एटम एटम में चेंज करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक आइडिया दिया है वैल्यू का। अब ध्यान से अगर देखो तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल। O2 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, डबल। नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल। ठीक है, तो देखिए सिंगल डबल ट्रिपल एनर्जी देखो 435.8, 498.0, 946.0। ये तो सिंपल सी बात है कि भाई इसको तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी लग रही है उसे हम बॉन्ड एंथैल्पी कह रहे हैं एक मोल के हिसाब से। बट अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल आप पर आने पर बॉन्ड एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज करती है। इस बात से आप क्या समझ रहे हैं, इस बात से आप ये समझ रहे हो कि दो चीजें यहां पर बॉन्ड एंथैल्पी को अफेक्ट करती हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉन्ड एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला होता है साइज ऑफ द एटम। आपको ये पता चल गया है कि छोटा एटम जो है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, कम। बड़ा एटम जो है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी, ज्यादा। अब आप खुद बताइए, अगर मैं आपको दूं एक चौक का टुकड़ा और मैं कहूं बेटा तोड़ो, आप आसानी से तोड़ दोगे। और मैं आपको दूं इतना सा चौक का टुकड़ा, मैं कहूं तोड़ो, लगे रहोगे तोड़ने में। तो जितना छोटा बॉन्ड होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होता है, तो उसे तोड़ना जो है वो होता है मुश्किल। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया मुश्किल। तो इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट बॉन्ड को तोड़ने के लिए, सिंगल सिंगल में कंपैरिजन कर रही हूं मैं अभी फिलहाल, कि ठीक है अगर आपके पास दोनों सिंगल हैं बट जो छोटा बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि जो आसान बॉन्ड है वो लंबा बॉन्ड है उसको तोड़ना क्या होगा, आसान, क्योंकि वो क्या है, दूर दूर है। तो इतना, ये जो मान लो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस इतने फोर्स से इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा जितने फोर्स से ये न्यूक्लियस कर रहा होगा इन दो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट। ठीक है, तो बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, छोटे को तोड़ना मुश्किल होता है। तो छोटे में जहां पे बॉन्ड लेंथ कम है वहां पे आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, और बड़े बॉन्ड में बॉन्ड एंथैल्पी कम एनर्जी, तो बॉन्ड टूट जाएगा मजे से। ठीक है, तो यहां पे जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो क्या होगी, कम, जबकि यहां पे बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो क्या होगी, ज्यादा। ठीक है, एक मैंने आपको बता ही दिया बॉन्ड ऑर्डर वाला फैक्टर कि जहां पे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, सिंगल बॉन्ड जो है ठीक है उसे तोड़ना आसान होता है, डबल को तोड़ना थोड़ा और मुश्किल होता है, ट्रिपल को तोड़ना थोड़ा सा और मुश्किल होता है। ठीक है, बुक में एक तो साइज ऑफ एटम दिया होता है और दूसरा दिया होता है बॉन्ड लेंथ, पर मेरे को दोनों देखो एक तरीके से अगर आप देखो तो लगभग सेम ही बातें बता रहे होते हैं। बॉन्ड लेंथ में ये बोला गया होता है लंबे बॉन्ड को तोड़ो जल्दी टूट जाएगा, डबल थोड़ा उससे लेट टूटेगा, ट्रिपल उससे भी लेट टूटेगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये लंबा बॉन्ड है, ठीक है, ये जल्दी टूटेगा, इससे शॉर्ट वाला थोड़ा कम देर से टूटेगा और इससे शॉर्ट वाला और कम देर से टूटेगा। तो तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी यहां सबसे ज्यादा लगेगी। ठीक, यहां पे बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी, यहां पे उस थोड़ी कम और यहां पर सबसे कम। ठीक है, तो ये लगभग बॉन्ड लेंथ और साइज ऑफ एटम एक ही बात बता रहे होते, कुछ डिफरेंट बात नहीं बता रहे होते। तो आप साइज के हिसाब से याद रखो और आप बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से याद रखो कि भाई सिंगल को तोड़ना आसान होता है, डबल को तोड़ना मुश्किल होता है, ट्रिपल को तोड़ना और मुश्किल होता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट टॉपिक है आज का बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, हालांकि यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर है वो आप ट्रूली 100% तरीके से नहीं सीखोगे। इस चैप्टर के एंड में जब आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ लोगे उसके बाद आप एक्चुअल टर्म्स में समझोगे कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बट क्योंकि यहाँ पर नाम आ गया है बॉन्ड ऑर्डर का तो मुझे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। बॉन्ड ऑर्डर जो है ये एक्चुअल में ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बन रहे होते हैं दो एटम के बीच में अगर वो किसी मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, H2 है, ठीक है, H2 जो है दो हाइड्रोजन एटम से मिलके बन रहा है, तो दो एटम के बीच में कितना बॉन्ड है यहाँ पर, सिंगल। तो इसके जो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू हो गई वो हो गई 1। अगर मैं बात करूं O2 की, तो O2 जो है दो ऑक्सीजन के एटम से मिलके बन रहा है, पर इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा होता है, डबल। तो बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू है वो हो गई 2।
अगर मैं बात करूं N2 की, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? ट्रिपल। तो बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू हो गई वो क्या हो गई? 3। ठीक है, पर जब आप आगे जाएंगे इस चैप्टर में, आप देखो अच्छे से पढ़ने के लिए आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी पहले, तभी आप बॉन्ड ऑर्डर को एक्चुअल तरीके से समझ सकते हो। क्योंकि अभी तो आपको ये भी नहीं पता है कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं। फिर आप जब धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे पढ़ते जाओगे तो आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी कि LCAO क्या होता है, कैसे एक्चुअल में एटम्स आपस में मिक्स हो रहे हैं और किसी मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। तो आपको काफ़ी कुछ अभी इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर होता है। तो आप थोड़ा कुछ समय के लिए इस चीज़ को होल्ड पर रखें, आगे जाके आप ही इस चैप्टर में, मैं ही आपको पढ़ा रही हूँगी कि देखो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो फ्रैक्शन में भी आता है। बट अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आप सोचोगे कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है। बॉन्ड ऑर्डर तो हमने ये पढ़ा है कि भाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं, वो जो भी नंबर ऑफ बॉन्ड्स है वही हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है। तो बॉन्ड कभी आधा तो हो नहीं सकता, तो बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में कैसे आएगा? बट आप ही इसी चैप्टर के एंड में पढ़ रहे होंगे कि बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ रहा है, 2.5 आ रहा है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी पहले आपको हाल फिलहाल काफ़ी टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे इस चैप्टर में, मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद हम सही मायनों में समझ पाएंगे कि बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल भी आ सकता है और कैसे आ सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।